और उस इलाका में जहाँ पर चर्चेस को मिसमार किया गया, जलाया गया और हमारे क्रिश्चन बहन भाइयों के घरों को जो मिसमार किया गया, जलाया गया, बाइबल्स की गुरुजी की भी उनको जलाया गया। हम यहाँ पर हैं और हम इस बात को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है किस बुरे तरीके से चर्चेस की पाकिस्तान के अंदर रहते हुए और जो भी बनाने वाले अदारे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बीइंग बिशप मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस मामले को डीपली लें, जाने साने को लें और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा दें। सजा दें आपके साथ हैं, आपके साथ हैं आपने गुजारा नहीं है। जो कुछ होना था हो गया, जो कुछ अब होना था हो गया, ठीक है, ये वापस नहीं आ सकता, लेकिन हमें अपने ईमान पर अब मजबूत रहना है। आप देख सकते हैं कि एसी है वो किस तरह से आपकी वजह से आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो मस्मार किया गया है हमारे चर्चेस को, गिरजाघरों को, खुदा के घरों को किस तरह से इनकी तस्दील की गई है, आप सोच नहीं सकते। और ये पाकिस्तान की तरीक में पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ये जब से पाकिस्तान बना है तब से हमारी गर्दनें इनके हाथों में ही है। सो ये हाल है, आप ये हमारे चर्च का हाल है, आप देख सकते हैं। सुबह 5 बजे का वाकया
ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਵਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਸਾਹ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ आए हम दुआ मांगेंगे कि हम लोग बंद करेंगे दुआ मांगेंगे शुरू के खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कीमती वक्त के लिए तूने हमारी जिंदगी में दान किया आप खुदा हम पर्दे लगर से इस वक्त इस आना को देखकर इस बड़े अलमिये को देखकर दुखी है दुख की हालत में है परेशान है खुदा पाप खुदा अपने लोगों को उनकी मुसीबत में संभालता है उनको कुवत देता है ताकत देता है जोर देता है दिलेरी देता है बाइबल्स को जलाया गया खुदान पा खुदा और तेरे लोगों की बेहुरमती की गई तेरे घरों की बेहुरमती गई कही गई खुदान पा खुदा खुदान पा खुदा तू इस दुख की घड़ी में इस परेशानी की हालत में हमें हम सबको ताकत देना खुदान पा खुदा मदद कर मदद